नमस्कार दोस्तों, विद्युत अध्याय की इस दूसरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने विद्युत अध्याय के पहले वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। उस वीडियो में हमने ओम के नियम तक की चर्चा की थी, जबकि इस वीडियो में हम उसके आगे की चीजों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उन चीजों को समझकर कि वह कौन से कारक हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यहां दिखाया गया चित्र दोस्तों एक वस्तु का है जिसकी लंबाई L है और इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और एक प्रतिरोधकता होती है दोस्तों, हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। तो एक ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये कुछ नहीं बल्कि एक, जी हाँ, प्रतिरोध है। तो इसका ये छोर, इस प्रतिरोध का ये छोर मान लीजिए, और इसका ये किनारा, दाहिने साइड का किनारा आप ये छोर मान लीजिए, और इस पूरे वस्तु के जो बीच का द्रव्यमान है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो इसको बतला रहा है। तो देखते हैं कि ये लंबाई और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये प्रतिरोधकता क्या है, और ये कैसे बदलेगी इस प्रतिरोध के मान को। तो मैं आपको एक ऊपर ऊपर से पहले एक बार बता देता हूं कि प्रतिरोध, जैसा आप सब लोगों को पता है कि प्रतिरोध उस मान को कहते हैं जिस मान से कोई भी वस्तु अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने में अवरोध पैदा करती है। अर्थात अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो अवरोध भी ज्यादा होगा, और अगर प्रतिरोध कम होगा तो अवरोध भी कम होगा। तो देखते हैं इस प्रतिरोध को कैसे बदला जा सकता है, इस लंबाई या फिर क्षेत्रफल को बदल के। तो जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के। यहां मैंने गलती से छोटा वाला एल लिख दिया है, मुझे बड़ा एल लिखना चाहिए क्योंकि यहां हमने बड़े एल से उसे दिखाया है। तो जो प्रतिरोध है वो समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है उसकी लंबाई के। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि अगर आप इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, इस वस्तु की लंबाई को बढ़ाते हैं, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्यों। प्रतिरोध वो है जो जितने मान से वो अवरोध लगा रहा है। तो अगर रास्ता ही छोटा है दोस्तों, अगर करंट को, अगर विद्युत धारा को इतना ही रास्ता तय करना होता तो वो यहां से आती और इसके एटम से, इसके अंदर छुपे अणुओं से टकराते हुए जब इसको पास करती तो यहीं से निकल जाती। पर आपने लंबाई बढ़ा दी, हमने यहां लंबाई बढ़ा दी, तो विद्युत धारा को और टकराना पड़ेगा, और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के वो दूसरे अनुप्रस्थ काट के से बाहर निकल पाएगी। तो जैसे ही हमने लंबाई बढ़ाई, प्रतिरोध जो पैदा कर रहा था ये वस्तु, वो प्रतिरोध भी बढ़ गया। इसीलिए हमने यहां लिखा है कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुक्रमानुपाती है। आप बढ़ाएंगे लंबाई तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, आप घटाएंगे लंबाई तो प्रतिरोध भी घटेगा। दूसरी बार में कहा गया दोस्तों कि जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती है इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अर्थात इस क्षेत्रफल के। इसका मतलब कि अगर आप इस क्षेत्रफल को बढ़ा दें, इतना करते हैं, तो जी हां, तो प्रतिरोध का मान भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। आप ए को बढ़ाते हैं तो आर अपने आप घटेगा। क्यों? क्योंकि पहले पूरे करंट को पास होने के लिए, इस वस्तु से पास होने के लिए बस इतनी सी जगह थी, तो सब आपस में टकराते टकराते पास हो रहे थे। पर जब आपने उस पूरे जगह को ही बढ़ा दिया तो सारा करंट फैल जाएगा और आसानी से पास हो सकता है, आपस में टकराएगा नहीं बल्कि आसानी से सारा करंट आगे निकल जाएगा। तो जो प्रतिरोध है वो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे दोस्तों तो हम पाएंगे कि
जो प्रतिरोध है वो समानुपाती है एल के और विक्रमानुपाती है ए के। मैंने दोनों को एक जगह ही लिख दिया है। और अगर हम मैं हर जगह एल कर देता हूं, मुझसे गलती हो गई थी, तो अंत में आपको ये मिलेगा कि जो प्रतिरोध है वो समानुपाती है एल के, व्युत्क्रमानुपाती है ए के। और जब मैंने यहां से इस समानुपात का चिन्ह हटाया, तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप एक स्थिरांक देते हैं वहां, और वो स्थिरांक है दोस्तों रो। इसे हम इस चीज को जिसे हमने ऐसा लिखा है इसको कहते हैं रो। रो को प्रतिरोधकता कहते हैं, और उस वस्तु के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये जो वस्तु हम आपने यहाँ आप यहाँ देख रहे हैं, ये किस चीज का बना है, यह प्रतिरोधकता उस पर निर्भर करती है। इस रो को आनुपातिकता स्थिरांक कहते हैं, और जो चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता बता रहा है। और ये हर पदार्थ के लिए, हर अलग अलग वस्तु के लिए यह प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। तो यह जो फॉर्मूला हमें मिला है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, तो इसे हम याद रखेंगे और इस पर प्रश्न भी बनाएंगे। आइए दोस्तों इस प्रश्न को बनाते हैं। यह प्रश्न कहता है कि दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो प्रतिरोध दिया है, फिर कहता है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी कर दी गई है और मोटाई दुगनी कर दी गई है। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्त दोस्तों कि पदार्थ नहीं बदल रहा, वस्तु बदल रही है, उसकी लंबाई बदल रही है, उसकी मोटाई बदल रही है, परंतु पदार्थ नहीं बदल रहा। पदार्थ नहीं बदलने का क्या मतलब कि पहले भी अगर यह लोहे का होगा तो अभी भी यह लोहे का है, अगर पहले एल्यूमिनियम का होगा तो अभी भी एल्यूमिनियम का है। तो पदार्थ नहीं बदलने के कारण से जो प्रतिरोधकता है वो दोनों ही जगह पर उतनी ही रहेगी। चलिए इसको बनाते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। तो आपको दिया क्या है, आपको प्रतिरोध की का मान दिया है जो कि 4 ओम के बराबर है। तो पहले हम लिखते हैं कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, जहां ये एल इस एल के बराबर है और ये ए इस ए के बराबर है, और ये R जो कि 4 ओम दिया है जी। तो आपको रो इंटू एल बाय ए इज इक्वल टू 4 ओम, इतना हमें मिल गया। अभी इसके दूसरे भाग पे आते हैं। दूसरा भाग क्या कह रहा है दोस्तों कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई एल बटे दो और मोटाई 2 बटे 2 है। तो मान लीजिए कि उसका जो है वो R2 है, ऐसा मान लेते हैं कि उसका प्रतिरोध R2 है। तो R2 के लिए भी सूत्र तो सही नहीं होगा जो कि रो गुने एल बटे ए है। तो रो यहां वही रह गया दोस्तों, पर इसकी लंबाई क्या हो गई, एल बटे दो हो गई, और इसकी मोटाई हो गई 2A। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप पाएंगे कि यह है रो गुने एल बटे 4A, बिल्कुल। और जब आप इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि रो गुने एल बटे ए और यहां भी रो गुने एल बटे ए उसी तरीके से, और रो गुने एल बटे ए का मान है 4। तो 1/4, ये 4 यहाँ 1/4 आया, गुने और रो गुने एल बटे ए का मान मैंने 4 रखा जो कि 1 ओम के बराबर है। अर्थात अगर आप तार की लंबाई को आधा और उसके क्षेत्रफल को दुगना कर देते हैं तो उस तार का जो प्रतिरोध है वो 4 गुना कम हो जाता है। पहले देखिए प्रतिरोध था 4 ओम और अब हो गया 1 ओम, तो 4 गुना कम हो गया दोस्तों प्रतिरोध। ऐसे प्रश्न आप अपनी पाठ्यपुस्तक से और भी देख करके बना सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्या होता है और इसे कैसे निकाल सकते हैं। इसमें हम यह सीखेंगे कि प्रतिरोधकों के समूह को जब अलग अलग तरीके से एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, जो उसका एक समायोजित प्रतिरोध जो बनेगा, उसे कैसे निकालते हैं।
पर उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। चलिए प्रश्न को थोड़ा रोचक बनाते हैं। यह जो लकीर मैंने ब्लू कलर में खींची है, ब्लू रंग की लकीर खींची है, आप इसे हाईवे समझिए, हाईवे अर्थात बहुत अच्छी सड़क। और यह जो लाल कलर से मैंने जो लकीर खींची है वो बुरी सड़क है दोस्तों, अर्थात थोड़ी देर अच्छी सड़क, फिर बुरी सड़क, फिर अच्छी सड़क, और फिर ऑरेंज कलर की लाइन, अर्थात फिर से थोड़ी बुरी सड़क और फिर से अच्छी सड़क। तो आप मुझे ये बताइए कि इधर से मान लीजिए बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं, गुजरने की कोशिश कर रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां, क्या ऐसा मान लीजिए कि आप ही इधर से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, कार में बैठकर, मोटरसाइकिल पे बैठकर, साइकिल पे बैठकर। तो जब आप हाईवे पे जाते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि हाईवे बहुत ही अच्छी सड़क होती है, उस पर साइकिल चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में, कार चलाने में कोई तकलीफ नहीं आती। पर जैसे ही आप इस बुरी सड़क पे जाएंगे जो चिकनी नहीं है, जिसपे बहुत सारे रोड़े पत्थर गिरे हुए हैं, तब आपको इस सड़क से प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और आप इस पर गाड़ी अच्छे से नहीं चला सकते, चाहे तो वो साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या कार हो। पर जैसे ही आप फिर से अच्छी सड़क पे आते हैं, आप फिर से गाड़ी अच्छे से चलाएंगे और फिर बुरी सड़क पे आने के बाद फिर आपको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और आप जो गाड़ी है वो फिर से थोड़ी आपको परेशानी होगी चलाने में, और हाईवे पे जाने के बाद फिर आप अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। परंतु ये सारी गाड़ियां जो यहां से गुजरेंगी, इस सड़क से गुजरेंगी, वो हाईवे पे भी जितनी गाड़ियां हैं, इस खराब सड़क पे भी उतनी ही गाड़ियां हैं, फिर से इस हाईवे पे उतनी ही गाड़ियां हैं और खराब सड़क पे उतनी ही गाड़ियां हैं। गाड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही रास्ता है। अगर आपको इस जगह से इस जगह पे आना है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, जगह ए से जगह बी पर अगर आपको जाना है, तो आपके पास एक ही रास्ता है। आप ये रास्ता कैसा भी हो आप इसको पार करेंगे। तो इस रास्ते में कहीं अच्छी जगह थी, कहीं बुरी जगह थी, तो बुरी जगहों पर भी गाड़ी गई, उतनी ही गाड़ियां गई जितनी गाड़ियां अच्छी जगहों पे गई थी, क्यों? क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो ये जो हमने एक यहां पर चर्चा किया, एक जो सीन हमने यहां पर चर्चा किया, उसे मैं इस तरह से समझाता हूँ दोस्तों, कि ये जो हाईवे सड़क है वो है एक चालक, बहुत ही अच्छा चालक, जैसे कि वायर, नॉर्मल सा वायर जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और ये जो बुरी सड़क है उसे हम कहेंगे एक रेजिस्टर। रेजिस्टर क्यों? क्योंकि रेजिस्टर इस एक बुरी सड़क है, यह हमेशा अपने से जो करंट, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको रोकना चाहती है, जैसे सड़क आपको गाड़ी चलाने से रोक रही थी। और फिर यहाँ जो अच्छी सड़क आई, फिर एक अच्छा चालक, और फिर यहाँ जो बुरी सड़क आई, फिर एक प्रतिरोध वहां डाल दिया। तो इस प्रतिरोध का नाम मैं R1 डालता हूँ, इस प्रतिरोध का नाम मैं R2 डालता हूँ। और ये जो गाड़ियां जो यहां से गुजर रही हैं, जो मैंने आपको बताया, उसको मैं करंट का नाम दूंगा, अर्थात गाड़ियां जो है वो करंट हैं। तो जब आप दो प्रतिरोधकों को इस तरह से जोड़ते हैं, इस जोड़ को कहते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो श्रेणी क्रम में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो जितनी विद्युत धारा R1 से होके गुजरेगी, पहले प्रतिरोध से होके गुजरेगी, पूरी ही पूरी विद्युत धारा को R2 से होकर भी गुजरना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास और दूसरा रास्ता है ही नहीं। इस आपको A से B पे आना है, आपको A से B पे आना है, तो आपके पास एक ही रास्ता है। तो जब आप अच्छी सड़क है तब भी उतना ही करंट, बुरी सड़क है तब भी उतना ही करंट, फिर अच्छी सड़क है तब भी उतना ही करंट, और बुरी सड़क है तब भी उतना ही करंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट जो विद्युत धारा है वो इस पूरे परिपथ में एक समान ही रहेगी, कभी भी घटे या बढ़ेगी नहीं। आइए अब एक दूसरा सिनारियो देखते हैं, एक दूसरा केस देखते हैं कि क्या होता है। दूसरे केस में मैं फिर से आपको हाईवे वाला ही उदाहरण देता हूं। एक अच्छा हाईवे यहां से यहां तक आता है, परंतु इस हाईवे से अब तीन अलग-अलग सड़कें निकलती, एक,
ये भी एक खराब रास्ता है। एक दो, ये भी एक खराब रास्ता है। और चलिए एक बैंगनिस दिखा देता हूं। एक तीन, ये भी एक खराब रास्ता। और ये सारे रास्ते फिर से आकर के एक अच्छे से हाईवे में मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये तीनों रास्ते खराब ही हैं दोस्तों। रास्ता ये और रास्ते, तीनों रास्ते खराब हैं। तो यहां से जो गाड़ियां आएंगी, मान लीजिए कि आप यहां से जाना शुरू करते हैं, जाना चाहते हैं अंदर, तो यहां से जो गाड़ियां आएंगी वो यहां आकर के ये देखेंगी कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। जो सबसे अच्छा रास्ता रहेगा उसमें से ज्यादा गाड़ियां जाने की कोशिश करेंगी। पर यहां तो तीनों रास्ते ही खराब हैं, तो कुछ गाड़ियां इस रास्ते से होके जाएंगी, कुछ गाड़ियां इस रास्ते से होके जाएंगी, और कुछ गाड़ियां इस रास्ते से होके जाएंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही रास्ते से हर गाड़ी चली जाए, ऐसा हो। यह जो लोगों की प्रवृत्ति है वो ऐसी ही है कि जब तीन रास्ते होते हैं तो लोग चुन ही लेते हैं अपना अपना रास्ता। तो उसी तरह करंट भी है दोस्तों, करंट भी अपना रास्ता चुन लेगा। तो तीनों खराब रास्तों से अलग अलग मात्रा में करंट जो है, विद्युत धारा जो है, वो प्रवाहित होगी। परंतु जो सबसे अच्छा रास्ता होगा इनमें से, मान लीजिए इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, इस रास्ते में बहुत बड़े बड़े रोड़े पत्थर हैं, तो इससे बहुत ही कम गाड़ियां होकर गुजरेंगी, एक दो। अगर ये रास्ता थोड़ा सा अच्छा है, बीच बीच में कहीं गड्ढे हैं, तो इस रास्ते से होकर के बहुत सारी गाड़ियां गुजरेंगी। और अगर ये रास्ता इन दोनों के बीच में है कहीं, तो इस रास्ते से होकर के थोड़ी सी, इससे थोड़ी ज्यादा और इससे थोड़ी कम गाड़ियां गुजरेंगी। और फिर सारी गाड़ियां आकर के इधर मिल जाएंगी, यानी कि जितनी गाड़ियां आपने इधर से भेजी थी उतनी ही गाड़ियां इधर आपको मिल गई। चलिए इस चीज को मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये शुरुआत का जो हाईवे है वो एक चालक हुआ, उसके बाद तीन अलग अलग मान के प्रतिरोध हमने लगा दिए, ठीक है, और फिर ये बाहर निकलने वाला हाईवे है। तो देखिए इसका नाम दे दिया मैंने R1, इसका नाम दे दिया मैंने R2, इसका नाम मैंने दे दिया R3। अब समझिए दोस्तों इस बात को कि जितनी गाड़ियां यहां से आ रही हैं वो है करंट। करंट यहां पहुंचने के बाद देखेगा कि मेरे पास तो तीन रास्ते हैं, और तीनों ही रास्तों में कोई भी रास्ता हाईवे नहीं है। हाईवे अर्थात कोई भी रास्ता एक बहुत ही अच्छा चालक नहीं है, जैसा ये वायर होता है, बहुत अच्छा चालक नहीं है। तो ये करंट जो है तीन अलग अलग भागों में बट जाएगा। इधर मान लीजिए I1 करंट जाता है, इधर मान लीजिए I2 करंट जाता है, और इधर मान लीजिए I3 करंट जाता है। और कहने की जरूरत तो है नहीं, पर मैं कह दिए देता हूं कि I1 जोड़ I2 जोड़ I3 I के बराबर होगा हमेशा। जितनी गाड़ियां यहां से जा रही हैं वही तो बट रही हैं, तो I1 जोड़ I2 जोड़ I3 बराबर I है। और I1 I2 I3 में ज्यादा मान I1 का है या I2 का है वो, या I3 का है, यह किस बात पर निर्भर करता है दोस्तों? यह इस बात पर निर्भर करता है कि R1 ज्यादा है, R2 ज्यादा है, या R3 ज्यादा है। तो ऐसा मान लेते हैं कि R2 सबसे कम प्रतिरोध है, अर्थात R1 R3 R2 से ज्यादा होगा, तो I2 का जो मान होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि R2 का प्रतिरोध कम है। जैसे यहां पे इसमें प्रतिरोध कम था, इस बीच वाली सड़क में तो सबसे ज्यादा गाड़ियां उससे जा रही थी, तो जैसे प्रतिरोध R2 का सबसे कम होगा तो सबसे ज्यादा करंट भी उससे जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। या R1 का अगर मान सबसे कम है तो सबसे ज्यादा करंट R1 से होके जाएगा। और फिर यह जो I1 है वो, अब तो इसको एक ही रास्ता है, तो I1 को यहां तक पहुंचना पड़ेगा, I2 को यहां तक पहुंचना पड़ेगा, और I3 को यहां तक पहुंचना पड़ेगा, और सब यहां पर आकर के फिर से मिल जाएंगे। और हाईवे के अंत में आपको क्या मिलेगा? फिर से उतनी ही I, उतनी ही गाड़ियां मिलेंगी, उतनी ही विद्युत धारा का मान फिर से आपको मिल जाएगा। तो इस संयोजन को दोस्तों हम लोग कहते हैं पार्श्वक्रम संयोजन। पिछला वाला था श्रेणी क्रम और यह है पार्श्वक्रम संयोजन। श्रेणी क्रम को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं दोस्तों, दो प्रतिरोधों को सीरीज में लगाना, और इसे हम लोग पैरेलल में लगाना कहते हैं। पैरेलल में क्यों? क्योंकि तीन रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में है, इसीलिए पैरेलल, जिसे पार्श्वक्रम भी कह रहे हैं। तो यह चीजें हम आगे
और दूसरे तरीके से देखेंगे, पर मैंने आपको यह जो उदाहरण दिया हाईवे वाला, अगर आप इसे हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि जब प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो उससे पास होने वाला करंट कम होगा, कब? जब वो पार्श्व क्रम में संयोजित है। पर यही चीज श्रेणी क्रम में नहीं थी, श्रेणी क्रम में कुछ भी रहे प्रतिरोध का मान, जितना करंट, जितना विद्युत धारा एक प्रतिरोध से होके गुजर रही है उतनी ही विद्युत धारा दूसरे प्रतिरोध से भी होके गुजरती, क्योंकि वहां बस एक ही रास्ता था। पर यहाँ तो रास्ते अलग-अलग हैं, तीन अलग-अलग रास्ते हैं, ये हो सकता है चार हों या पांच हों, कुछ भी। तो करंट जो है उन पांचों रास्तों में, उन चारों रास्तों में, और यहाँ पर जैसा दिखाया गया उन तीनों रास्तों में बट जाएगा, यह देखते हुए कि किस रास्ते में कितना प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोध कम है तो ज्यादा करंट जाएगा उस रास्ते में, और अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो कम करंट जाएगा उस रास्ते में। पर करंट को बटना ही पड़ेगा इस तरह के जगह पे आके जहां उसे एक से ज्यादा रास्ते दिख रहे हैं, और बाद में वो सारा करंट फिर से मिल जाएगा, और जैसा हमने देखा हाईवे के अंत में उतनी ही गाड़ियां आपको मिलेंगी, तो करंट भी आपको उतना ही मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों श्रेणी क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधकों को इस तरह से दिखाया जा सकता है, जो कि बाएं तरफ के चित्र में दिखाया गया है, जबकि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों को इस तरह से दिखाया जा सकता है। आप अंतर ऐसे देख सकते हैं श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में कि हर एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के एक छोर से जुड़ा है, और किसी भी एक प्रतिरोध का फिर जो दूसरा सिरा हुआ वो अगले प्रतिरोध से जुड़ा है, और आखिरी प्रतिरोध का सिरा बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है। जबकि पार्श्व क्रम में हर प्रतिरोध का सिरा, यहां पर जैसा R1, R2, R3 में दिखाया गया है कि हर प्रतिरोध का सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। R1 का एक सिरा R2 से भी जुड़ा है, जबकि R1 और R2 का एक सिरा R3 से भी जुड़ा है, और इसी तरह दूसरा सिरा R1, R2 और R3 का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये सारे जुड़ाव बिंदु बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो यह अंतर है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में। हम श्रेणी क्रम को ऐसा भी बना सकते हैं, चित्र में दिखा सकते हैं, और पार्श्व क्रम को इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इन दोनों चित्रों में कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन्हें बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो आप यहां जैसा देख रहे हैं R1, R2, R3 एक सीधी रेखा में आपको दिखाई दे रहा है, पर दूसरे चित्र में R1, R2, R3 को सीधी रेखा में ना रखते हुए अलग-अलग जगह पर रखा गया है। पर जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों चित्रों में कोई भी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए R1 का एक सिरा बैटरी से जुड़ा है, यहां भी R1 का एक सिरा बैटरी से जुड़ा है। R1 का दूसरा सिरा दोस्तों R2 से जुड़ा है ऊपर के चित्र में, और R1 का दूसरा सिरा R2 से जुड़ा है नीचे वाले भी चित्र में, और इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं। और आखिरी सिरा R3 का फिर से बैटरी से जुड़ जाता है, और यहाँ भी R3 का आखिरी सिरा फिर से बैटरी से जुड़ जाता है। तो आप यह सब कह सकते हैं कि ये जो तारे हैं, ये जो वायर है, इसकी लंबाई क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो जी नहीं दोस्तों, तारों को कितना भी छोटा बड़ा या बिंदु आकार का बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मान करके किसी भी प्रश्न को हल करते हैं कि तारों का अपना कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है, तो आप इन्हें लंबा छोटा कितना भी बड़ा कर सकते हैं। परंतु ख्याल रहे कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम का जो मूलभूत संरचना है वो ना बिगड़े। आइए अब श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों को थोड़ा और विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि अगर तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में लगा दिया गया और एक बैटरी से जोड़ दिया गया तो एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अर्थात धनात्मक सिरे से निकलती है। तो यह I विद्युत धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी, और चूंकि यह एक श्रेणी क्रम है इसीलिए यहां से जितने विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों वही विद्युत धारा R2 को भी जाएगी और वही विद्युत धारा
R3 को भी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रवाहित होने के लिए, विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हर जगह पे, चाहे वो रास्ता खराब हो या चाहे वो रास्ता अच्छा हो, उतनी ही गाड़ियां गुजरेंगी, जैसे कि यहाँ पर उतना ही करंट, उतनी ही विद्युत धारा गुजर रही है, और वही आई घूम करके फिर बैटरी के पास चली आएगी। तो इस तरह से इस परिपथ को हमने बना दिया। अब आप अगर ओम का नियम याद करेंगे दोस्तों, तो आपको याद आएगा कि किसी भी प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, अर्थात अगर हम इसको V1 से बोले, विभवांतर कितने के बराबर होता है दोस्तों, क्या आपको याद है? 0 बराबर होता है I गुना R, अर्थात विद्युत धारा गुने उसका प्रतिरोध का मान, V इक्वल टू IR। यह ओम का नियम है दोस्तों, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा है। उसी तरह अगर आप R2 के लिए निकालेंगे तो V2, मैं इसको दूसरे रंग से बनाने की कोशिश करता हूं, तो V2 आप पाएंगे I, क्योंकि उतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इनटू R2। और अगर आप तीसरे R3 के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप बनाएंगे V3 इज इक्वल टू I इनटू R3। तो आप, हमने क्या किया है कि चूंकि हमें पता है कि विद्युत धारा समान प्रवाहित हो रही है तीनों प्रतिरोधों से, इसीलिए हम I यहां भी, I यहां भी और I यहां भी लेकर के जितना भी विभवांतर होगा, V1, V2 और V3, जो कि हमने R1, R2 और R3 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर माना है क्रमशः, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें एक सूत्र लिखना है, और यह बहुत ही आसान सूत्र होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो विभवांतर बन रहा है R1, R2, R3 के दोनों सिरों के बीच में, अगर हम इन विभवांतरों को जोड़ दें तो वो विभवांतर कुछ नहीं बल्कि भी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये बैटरी ही है जो इन सब को विभवांतर दे रही है, तो अगर इन सब का विभवांतर आप जोड़ दें तो वो भी के बराबर होगा। इसका भी एक नियम है दोस्तों, पर आपको यह उस नियम के नाम से इस कक्षा में पढ़ाई नहीं करनी। उसे कहते हैं क्रिचॉप्स का नियम, और इसे यहां पर जो मैं प्रयोग में ला रहा हूं उसके कहते हैं क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ, अर्थात क्रिचॉप्स के विभवांतर का नियम। पर आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी। अभी आप अगर इतना भी समझ गए कि इन विभवांतरों का योग इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा तो काफी है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बहुत अच्छा। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू V1 के जगह हम I गुने R1, V2 के जगह I गुने R2 और V3 के जगह I गुने R3 लिख सकते हैं। और V इज इक्वल टू, अगर I को आप सब में से बाहर निकाल लें तो ये आएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3। सही है दोस्तों, यहां तक आप समझ गए? अब देखिए दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि मुझे R1, R2, R3 इन सब के बारे में बताना है आपको, कि जब आप इन तीनों को जोड़ देते हैं तो इसका जो एक कलेक्टिव, जो एक समुच्चय रूप से जो प्रभाव पड़ता है सर्किट पे, इस परिपथ पे, वो कितना होगा। तो उसके लिए मैं आप यहाँ एक दूसरा चित्र बनाने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा दोस्तों। मैं ऐसा मान रहा हूं कि इस R1, R2, R3 तीन अलग-अलग प्रतिरोधों के बदले अगर मैं एक ही प्रतिरोध बनाऊं और इस प्रतिरोध का मान इतना हो कि इन तीनों के बदले वो वहां पर आ जाए। तीनों के बदले वहां पर आने का क्या मतलब है कि आप इन तीन प्रतिरोधों को ना लगाएं बल्कि एक प्रतिरोध को भी लगाएं, तो इस पूरे परिपथ में कोई भी नुकसान नहीं होगा। जैसे विद्युत धारा पहले प्रवाहित हो रही थी, वैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। इसका नाम हम दे देते हैं R। तो और R के आगे मैं EQ लगा रहा हूं दोस्तों। EQ मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब समरूप एक तरह से। तो ये R इक्विवेलेंट जो रजिस्टर है वो समरूप है इन इस R1, R2 और R3 के,
यानी कि आप तीन प्रतिरोध ना लगाएं, अगर इस आर इक्विवेलेंट को भी यहां पर इस परिपथ में डाल दें तो करंट उतना ही प्रवाहित होगा। अब मुझे इस आर इक्विवेलेंट और आर वन आर टू आर थ्री में एक संबंध स्थापित करना है, पर उसके पहले मैं सर्किट पूरा कर देता हूं। यहां पे बैटरी है और इसका दूसरा सिरा आर इक्विवेलेंट के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। तो आप जैसा ये देख रहे हैं, ये जो बैटरी है दोस्तों, वो बैटरी यहां पे आ गई और इन तीनों के बदले मैंने यहां पर एक आर इक्विवेलेंट बनाया है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये आर इक्विवेलेंट ऐसा है कि जितना विद्युत धारा, जितनी विद्युत धारा पहले प्रवाहित हो रही थी, उतनी ही विद्युत धारा अभी भी प्रवाहित होगी और ये वोल्टेज भी है। तो जब इसके लिए आप ओम का नियम लिखेंगे दोस्तों, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। ओम का नियम यहां लिख सकते हैं हम लोग, वी इज इक्वल टू आई गुने आर इक्विवेलेंट। मैं सही लिख रहा हूं ना? जी बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं। अब देखिए, अब मैं आपसे बस एक चीज पूछता हूं। इसे हम इक्वेशन वन मानते हैं और इसे हम इक्वेशन टू मानते हैं। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में आप देखेंगे तो दोनों का बाएं हाथ की जो चीज है, अर्थात ये वोल्टेज जो है, दोनों में तो बराबर है, अर्थात हम लोग इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू लिख सकते हैं। इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आई गुने आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इज इक्वल टू आई गुने आर इक्विवेलेंट। अगर आप कटाना चाहें तो ये आई आई कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हमें मिला, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अर्थात सीरीज में जुड़े हुए प्रतिरोधों का अगर आप समुच्चय मान निकालना चाहें तो आप सारे प्रतिरोधों के मान को जोड़ दें और जितना मान आपको मिले उतने मान का एक, बस एक ही प्रतिरोध अगर आप उस परिपथ में लगा दें, तब भी पूरे परिपथ को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि दोनों परिपथ एक ही तरीके से काम करेंगे। तो यह जो पहला सूत्र हमें मिला है दोस्तों, यह श्रेणी क्रम के लिए है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसी तरह हम लोग पार्श्व क्रम के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहां पर रोक करके खुद से एक बार कोशिश कर सकते हैं कि पार्श्व क्रम में इस चीज को कैसे लाया जाए। मैं आगे चलता हूं, जब तब तक आइए अब पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों को देखते हैं। तो यहां इस बैटरी से ये तीन प्रतिरोधक आर वन आर टू और आर थ्री जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को पता है अब कि जब यहां से आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहां आने के बाद विद्युत धारा तीन अलग अलग भागों में बट जाएगी। तो ऐसा मानते हैं इसमें आई वन, इसमें आई टू और इसमें आई थ्री। और ये विद्युत धारा का बंटना किस आधार पे होगा दोस्तों, किस प्रतिरोध में ज्यादा विद्युत धारा जानी चाहिए, जिसके प्रतिरोध का मान कम है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी सड़क मानी जाएगी, तो अच्छी सड़कों से ज्यादा गाड़ियां होकर के गुजरती हैं। जी, तो आर वन से अगर ये आई वन जा रहा है तो आई वन इधर भी आ जाएगा, आर टू से आई टू जा रहा है तो आई टू उसके दूसरे सिरे पे आ जाएगा और आर थ्री से होता हुआ आई थ्री यहां आ जाएगा और फिर इस जगह पे आके तीनों मिल जाएंगे और इस परिपथ को पूरा करने के लिए फिर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री जुड़ के आई बन जाएंगे, जो कि बैटरी में मिल जाएगी, जितनी बैटरी से निकली थी उतनी बैटरी के पास पहुंच गई। जी, तो श्रेणी क्रम से पार्श्व क्रम अलग इस अंदाज में हो गया कि श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा हर प्रतिरोध से होकर के गुजरती है, जबकि पार्श्व क्रम में विद्युत धारा हर प्रतिरोध से अलग अलग गुजरती है। और यह किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है आर वन आर टू आर थ्री के मान के ऊपर। पर यहां एक जो समान रहने वाली बात है वो यह है दोस्तों कि अगर आप आर वन पर ध्यान केंद्रित करें तो आप देखेंगे कि आर वन का दोनों सिरा बैटरी के दोनों सिरों से जुड़ा हुआ है। अर्थात इसका सीधा मतलब यह है कि आर वन के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर इस बैटरी के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। अर्थात इस बैटरी का मान अगर भी है तो आर वन के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी वी ही होगा। और उसी तरह
R2 पे भी अगर आप ध्यान केंद्रित करें तो R2 का भी दोनों सिरा वो V अर्थात बैटरी से ही जुड़ा हुआ है, तो R2 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी V ही होगा। और इसी तरह R3 पर भी अगर आप देखें तो R3 भी उसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो R3 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी V ही होगा। तो पार्श्वक्रम में करंट तो अलग अलग होता है, विद्युत धारा तो हर प्रतिरोध से अलग अलग होती है दोस्तों, परंतु जो वोल्टेज होता है, जो विभवांतर होता है हर प्रतिरोध का, हर प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच का, वो बराबर होता है V के। तो यहां अगर ये V है तो R1, R2 और R3 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी V ही होगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि एक और मैं चित्र बनाता हूं जैसा कि पिछली बार बनाया था, और इसका नाम देता हूं आर इक्विवेलेंट, और इसको मैं बैटरी से जोड़ देता हूं। आर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है दोस्तों? आर इक्विवेलेंट का मतलब है कि एक ऐसा प्रतिरोध जिसे अगर आप इन तीनों प्रतिरोधों के बदले में लगा दें, अर्थात इन दोनों सिरों के बीच में अगर आप आर इक्विवेलेंट लगा दें, तो इस करंट का मान नहीं बदलेगा, वो आई ही रह जाएगा। तो ऐसा प्रतिरोध हमें खोजना है, अर्थात R1, R2, R3 के बदले मैं ऐसा एक प्रतिरोध कितने मान का लगा दूं, वो मुझे ढूंढना है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं फिर से। तो मैं जब इसका सूत्र बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं यहां क्या लिखूंगा दोस्तों, I इज इक्वल टू I1 जोड़ I2 जोड़ I3। ये तो कोई बड़ी समझने की चीज है नहीं, क्यों? क्योंकि यहां से जितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, और यहां तीन रास्ते हैं, तो इन तीन रास्तों में जितनी गाड़ियां गई, वो उन गाड़ियों को अगर आप जोड़ दें तो आपको कुल गाड़ियों की संख्या मिल जाएगी। उसी तरह यहां इस परिपथ में, इस बिंदु पर जितनी जितना करंट आएगा वो तीन भागों में बट रहा है, तो आप उन तीनों भागों को जोड़ दें तो आपको मूल विद्युत धारा मिल जाएगी। ऐसे मैं आपको बता दूं कि इस I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से जो मैंने सूत्र लिखा है, इस सूत्र को क्रिचॉप्स करंट लॉ कहते हैं, जिसके वो हिंदी में क्रिचॉप्स के विद्युत धारा का नियम कहा जा सकता है, पर वो आपको इस कक्षा में नहीं पढ़ना, वो आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ना होगा। तो मैं उसका नाम मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, आप उस बात पर ध्यान ना दें। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हम आसानी से लिख सकते हैं। अब अगर आप I1 को लिखना चाहे दोस्तों, I1 अर्थात R1 से प्रवाहित होने वाले करंट को लिखना चाहे, तो आप क्या लिखेंगे? ओम का नियम का फिर से प्रयोग करते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू V बाय R। तो I1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? V बाय R1। और ये V क्या है? ये V यही वोल्टेज है जो यहां पर इस बैटरी ने दिया है। I2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? फिर से V अपॉन R2, V बटे R2। देखिए यहां भी वोल्टेज वही है, यहां भी वोल्टेज वही है, क्यों? क्योंकि R1 R2 दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर V ही है, और उसी तरह जोड़ V बटे R3। जी बिल्कुल। तो ये मैंने दाएं हाथ के चीजों को अच्छे से लिख लिया, पर अगर मैं बाएं हाथ की चीजों को लिखना चाहूं, अर्थात इस I को लिखना चाहूं, तो ये I तो दोस्तों यहां से भी वही गुजर रहा है जो यहां से गुजर रहा है, तो इस I को मैं इस नीचे वाले चित्र से लिखने की कोशिश करूंगा। तो I के बदले मैं लिख रहा हूं दोस्तों V अपॉन R इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता। जी बिल्कुल। तो जब आप इसको V दोनों किनारों से, दोनों तरफ, इस बराबर चिन्ह के दोनों तरफ से अगर आप हटा करके कटाना चाहें तो आसानी से कटा सकते हैं, और आप लिख पाएंगे फिर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 जोर 1/R2 जोर 1/R3। तो यह जो सूत्र मिला हमें दोस्तों, यह पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और R1, R2, R3 पे हम रुकना तो मुझे, हमें नहीं चाहिए। अगर यहाँ चार ऐसे चार प्रतिरोध अगर पार्श्व क्रम में जुड़े होते तो हम लिखते R4, और अगर N
प्रतिरोध जुड़े होते, तो उसी तरह आप जोड़ते जोड़ते Rn लिख सकते थे। तो ये दोनों जो सूत्र हमने अभी देखे श्रेणी क्रम और पास्ट क्रम में, वो आपको याद रखने होंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, और यह 10वीं कक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भी है जो आपको समझना है। तो श्रेणी क्रम में हमने क्या देखा था, आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर था, आपको बस R1 + R2 + R3 को जोड़ देना था, और अगर वहां भी n रजिस्टर रहते, 5 रजिस्टर रहते, 10 रजिस्टर रहते, तो R1 + R2 + R3 + R4 + R5, उसी तरह करते करते जितने प्रतिरोध हैं आप उतने प्रतिरोधकों को जोड़ दें। जबकि पार्श्व क्रम में वो बदल गया सूत्र, और वो क्या हो गया, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 और इसी तरह आगे भी। तो इन दोनों सूत्रों को आपको समझना है और याद भी रखना है। आइए दोस्तों कुछ प्रश्न बनाते हैं। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध का प्रतिरोधक परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है, हमें वोल्टेज की वैल्यू दी है 12 वोल्ट, और फिर करंट दिया है 2.5 मिली एम्पियर। तो जब भी ऐसा दे दोस्तों आपको, आप मिली माइक्रो ऐसा कुछ भी, तो उसे बदल लें। 2.5 मिली एम्पियर को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻³ मिली, अर्थात 10⁻³। तो मैं एक चित्र बना देता हूं ताकि आप लोगों को, आपको समझने में आसानी हो। कहता है कि एक प्रतिरोध है जिसे 12 वोल्ट की बैटरी के सिरों के बीच में जोड़ दिया गया है। तो ये 12 वोल्ट दिया है, इससे ये हमें निकालना है दोस्तों, ये R हमें निकालना है। कहता है अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोध, तो ये R हमें निकालना है, और इससे जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो दिया है, जो कि है 2.5 मिली एम्पियर, और ये V = 12 वोल्ट, जबकि हमें R निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसमें सीधे सीधे ओम का नियम अगर हम लगा दें तो पता चल जाएगा। तो ओम का नियम क्या कहता है, V = IR, अर्थात R = V/I। तो V है 12, और 2.5 × 10⁻³, इसको अगर जब आप बनाएंगे तो आप पाएंगे ये है 12000/2.5। तो आप कितना पाएंगे दोस्तों, आप निकाल सकते हैं, आप पाएंगे 4800 ओम, जिसे हम लोग 4.8 किलो ओम भी लिख सकते हैं। किलो अर्थात 10³, -3 नहीं, 10³, -3 कहते हैं मिली को। तो इतने 4.8 किलो ओम का अगर आप यहां पर प्रतिरोध लगाते हैं, तभी इस परिपथ से 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो कि हमने ओम के नियम से समझा और बनाया। तो कुछ और प्रश्न देखते हैं जो कि इससे ज्यादा अच्छे हैं। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। कहा गया है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम अथवा 4 ओम हो। तो हमें 3 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम के 3 ऐसे प्रतिरोध दिए गए हैं, और प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है दोस्तों कि इन 3 प्रतिरोधकों को आप किस तरह जोड़ेंगे आपस में कि इनका जो समानांतर प्रतिरोध है वो एक बार 9 ओम आ जाए, और फिर किसी दूसरे तरीके से जोड़ें तो 4 ओम भी आ जाए। तो आप खुद से भी इस वीडियो को यहां थोड़ी देर के लिए रोक करके सोच सकते हैं कि कैसा बनाया जाए। मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि चलिए मान लीजिए कि अगर आपने इन प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो क्या होगा। तो यह है 6 ओम, यह है 6 ओम और यह है 6 ओम।
तो श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जब आप तीन प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो उनका समुच्चय प्रतिरोध कितना आता है, सबके योग के बराबर, 6 जोड़ 6 जोड़ 6 अर्थात 18 ओम। तो आपको एक 18 ओम का प्रतिरोध मिलेगा, पर हमें 18 ओम तो चाहिए नहीं, हमें तो 9 ओम चाहिए। चलिए दूसरी चीज सोचते हैं, अगर तीनों प्रतिरोधकों को हमने पार्श्व क्रम में लगा दिया, 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, सबका जो मान है प्रतिरोधकों का वो 6 ओम है। तो पार्श्व क्रम में जब आप निकालेंगे तो क्या होता था दोस्तों, 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इज इक्वल टू 1 बाय 6 जोड़ 1 बाय 6 जोड़ 1 बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 2। अर्थात जब आप निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 ओम, यहां 2 ओम यहां 18 ओम। तो ना ही आप इन तीनों को सीरीज में लगा सकते हैं और ना ही एक साथ पैरेलल में, ना ही श्रेणी क्रम ना ही पार्श्व क्रम, अब तो कुछ और करना पड़ेगा। तो अगर हमने ऐसा बनाया, आप देखिए गौर से देखिए, एक 6 ओम को दूसरे 6 ओम के साथ पार्श्व क्रम में लगा दिया और इन दोनों के पार्श्व क्रम के संयोजन को आखिरी बचे हुए 6 ओम के साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया, तो आप सोचिए क्या होगा। ये दोनों 6 ओम जो पार्श्व क्रम में है, इनका अपना एक समानांतर प्रतिरोध होगा जो कि इस 6 ओम के साथ सीरीज में अर्थात श्रेणी क्रम में होगा। तो जब आप इन दोनों पार्श्व क्रम संयोजन का प्रतिफल निकालने की कोशिश करेंगे तो आप बता सकते हैं कितना आएगा, 1/6 जोड़ 1/6 इज इक्वल टू 1/3। अर्थात ये तो 1/R इक्विवेलेंट है दोस्तों, तो R इक्विवेलेंट कितना मिल गया, जी हाँ 3 ओम। तो अर्थात ये जो हरे रंग में जो आपको प्रतिरोध दिख रहा है वो 3 ओम के बराबर है। अब जब इन दोनों प्रतिरोधकों को आप जोड़ेंगे तो ये तो श्रेणी क्रम में है, तो फाइनल जो आपको R इक्विवेलेंट मिलेगा वो कितना मिल रहा है दोस्तों, 3 ओम जोड़ 6 ओम। क्यों ऐसा क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है जो कि 9 ओम के बराबर है। तो 9 ओम ही तो हमें चाहिए था, हमने पा लिया। अर्थात अगर आप दिए गए इन 3 6 ओम 6 ओम 6 ओम के प्रतिरोधकों को इस तरह से, इसको लाल डब्बे में डालता हूं, इस तरह से अगर आप संयोजित कर देंगे तो आपको 9 ओम मिल जाएगा। जी मैं इसको एक बार साफ से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या किया है कि 1 6 ओम और दूसरे 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में लगाया है और इसके साथ एक तीसरे 6 ओम को श्रेणी क्रम में डाल दिया है। तो इनका जो प्रतिफल होगा वो इस 6 ओम के साथ सीरीज में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, और वो दोनों मिल करके 9 ओम आपको प्रतिफल देंगे। तो अब चलिए अब 4 ओम के लिए सोचते हैं कि 4 ओम के लिए क्या होगा, 4 ओम हम कैसे पा सकते हैं। तो फिर से आपके पास कितने हैं, आपके पास 3 ऐसे 6 ओम के प्रतिरोध हैं, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, आपको इन्हें जोड़ना है। तो अब बता सकते हैं दोस्तों कैसे जोड़ेंगे, मैं यहां आपको करके दिखा देता हूं। 1 6 ओम और दूसरे 6 ओम को सीरीज में डाल दीजिए और तीसरे 6 ओम को इन दोनों के साथ पैरेलल में डाल दीजिए, पैरेलल अर्थात पार्श्व क्रम में। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन 2 6 ओम के प्रतिरोधकों के प्रतिफल को इस 6 ओम के प्रतिरोध के साथ पार्श्व क्रम में लगा रहा हूं। अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का प्रतिफल यहां लिख लेना पड़ेगा। तो 2 6 ओम के प्रतिरोधकों को सीरीज में लगाने पर 12 ओम का प्रतिफल मिलेगा जो कि इस
6 ओम के प्रतिरोध के साथ पार्श्व क्रम में है दोस्तों। तो अब आपके पास एक 12 ओम का प्रतिरोध है और एक 6 ओम का प्रतिरोध है जो कि पार्श्व क्रम में है। तो इन दोनों का 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/12 जो 1/6, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ। 2/12 लिखने से थोड़ी आसानी हो जाती है, तो 3/12 आप इसको, मैंने ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया है ताकि दोनों के बटे के नीचे का जो भाग है वो बराबर हो जाए और भिन्न का जोड़ करने में आसानी है। करने को तो इसे हम बिना गुना किए भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से चाहे निकाल लें, ये मेरा तरीका है। तो 3/12 अर्थात जब आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 12/3 जो कि बराबर होता है 4 ओम के, अर्थात इन दोनों सिरों के बीच में जो आपको प्रतिरोध का मान मिलेगा वो इन 12 ओम और 6 ओम के प्रतिफल के बराबर होगा और वो है 4 ओम जो कि हमारे प्रश्न ने पूछा था। तो 9 ओम लेने के लिए हमने 2 प्रतिरोधकों को सीरीज में लगाया, नहीं सीरीज में कब लगाया, जब हमें 4 ओम चाहिए था और 2 सीरीज के साथ तीसरे प्रतिरोध को पैरेलल में लगा दिया अर्थात पार्श्व क्रम में लगा दिया, जबकि 9 ओम चाहिए था तब हमने क्या किया था दोस्तों। जी बिल्कुल सही, 9 ओम के लिए हमने 2 को पहले पैरेलल में डाला था, पहले पार्श्व क्रम में डाला था और फिर तीसरे 6 ओम को उसके साथ सीरीज में डाल दिया था। इस तरह के प्रश्न आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख करके बना सकते हैं, यह बस मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया है। एक छोटे से ट्रिक के साथ मैं इस कक्षा को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और वो ट्रिक एक्चुअली एक सोचने का तरीका है दोस्तों। तो हमें पता है कि जब कोई भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है तो जो हम समरूप प्रतिरोध लिखते हैं वो R1 जोड़ R2 जोड़ जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी उसमें प्रतिरोध होंगे RN तक, उसका सीधा सीधा योग होता है। यह निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि यह एक सीधा योग है। पर जब पार्श्व क्रम में बहुत सारे प्रतिरोधों को लगा दिया जाए तो इसका जो सूत्र है वो थोड़ा सा कठिन है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2 और इसी तरह आगे भी 1/RN। जी तो मैं आपको यहां पर बात कर रहा हूं इस पार्श्व क्रम में संयोजन के साथ कि यह एक जगह पे आके बहुत आसान हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि 2 प्रतिरोध आपस में पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हों, 2 प्रतिरोध हैं आपस में पार्श्व क्रम में जुड़े हैं और अगर इनका दोनों का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान है वो 10 ओम या फिर 10 ओम हो, दोनों 10 ओम हो, दोनों का प्रतिरोध समान हो, तो आपको यह जो सूत्र है वो उसमें लिख करके मान निकालने की जरूरत नहीं है बल्कि आप सीधा सीधा 10/2 अर्थात 5 ओम लिख सकते हैं। अगर इसका मान 10 ना हो करके R ओम होता, मैं इसको अब एक एक बहुत ही जनरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका भी R ओम होता, अगर दोनों का मान समान होता तो क्या हो जाता दोस्तों, तो R/2 ओम जो इसके समरूप प्रतिरोध का मान आता वो R/2 ओम आता। उसी तरह आप इसको 3 प्रतिरोधों के साथ भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये R ओम और R ओम के 3 प्रतिरोध लगे होते तो इसका जो समरूप प्रतिरोध है आर इक्विवेलेंट जो है वो आर इक्विवेलेंट दोस्तों बराबर हो जाता R/3 के, अर्थात R/3 ओम का एक ही प्रतिरोध अगर आप ए और इस बी छोर के बीच में लगा दें तो वो इन 3 प्रतिरोधकों के समरूप हो जाएगा, समरूप अवरोध पैदा करेगा। तो मैं यहाँ जो 3 और यहाँ पे ऊपर मैंने जो 2 लगाया है वो दरअसल आ कहाँ से रहा है दोस्तों, वो आ रहा है नंबर ऑफ प्रतिरोधों से, कितने संख्या में प्रतिरोध लगाए गए हैं। तो यहाँ कुल प्रतिरोधों की संख्या 2 थी तो हमने 2 से उसको बांट दिया, यहाँ कुल प्रतिरोधों की संख्या 3 थी तो हमने 3 से बांट दिया। अगर इसी तरह एन संख्या हो प्रतिरोधों की,
इस तरह एक दो तीन, इस तरह करते करते एन। तो यहां हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एन लिख देंगे। तो ये एक आसान हो जाता है थोड़ा समझने के लिए। तो आप समझने का तरीका ऐसा रख सकते हैं कब, और ये कब वैध है, जब जब प्रतिरोधों का मान पार्श्व क्रम में एक समान हो, नहीं तो आपको इस सूत्र से ही जाना पड़ेगा। पर अगर आप इस सूत्र को बस दो प्रतिरोधों के लिए लिखते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2, तब इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। तो जब इसको आप हल करते हैं तो आपको क्या मिलता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 × R2 / R1 + R2। तो आप इस सूत्र को भी इसी तरह से याद कर सकते हैं कि जब दो पार्श्वक्रम में प्रतिरोध लगे हों तो उसका समरूप प्रतिरोध R1 × R2 / R1 जोड़ R2 होता है। तो खैर, ये सब चीजें आप जब अपनी कक्षा की किताब से पढ़ेंगे तो आपको और अधिक समझ में आने लगेंगी। पर इस कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम देखेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव